श्री नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। महाअवतार बाबा जी, क्रिया बाबा जी, 2200 साल के ऐसे गुरु जो कि बहुत सारे सुपरस्टार सेलिब्रिटीज़ के गुरु हैं। बहुत लोग इनके बारे में बातें करते हैं लेकिन देखने का क्लेम बहुत कम लोगों ने किया आज तक। जैसे नवनाथ या नाथपंथ या घोरपंथ के गुरु हमारे दत्तात्रेय भगवान माने जाते हैं, वैसे क्रिया योग के गुरु जो हैं वो महावतार बाबा जी माने जाते हैं। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ शायद उसमें किसी ने महावतार बाबा जी को नहीं देखा है। महावतार बाबा जी को देखने का क्लेम पहली बार किसी ने किया था तो वो स्वामी योगानंद थे, जिन्होंने अपनी किताब में महावतार बाबा जी का वर्णन किया था और उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके दादा गुरु लाहिरी महाशय ने देखा था और फिर उनके अपने गुरु ने महावतार बाबा जी को देखा था। तो वर्णन अनुसार फिर महावतार बाबा जी की एक तस्वीर खींची गई और उस तस्वीर में महावतार बाबा जी एक 24 साल के युवक की तरह दिखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि महावतार बाबा जी 2200 साल के हैं। मैं आपको महावतार बाबा जी की साधना क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि महावतार बाबा जी मेरे जीवन में अकस्मात आए थे और सिर्फ अकस्मात आने के अलावा मेरा जो साधना का अनुभव रहा, मुझे जो गुरु मिले वो महावतार बाबा जी की कृपा से मिले। ठीक, महावतार बाबा जी को मैंने अप्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में पाया है। ये मैं नहीं बोलता कि मैंने उनको देखा, ये भी मैं नहीं जानता कि वो है कि नहीं है, इस बात पे मैं बाद में आऊँगा। देखो, किसी भी चीज़ पे विश्वास करने का एक कारण होता है। अघोर में तो जो देखा नहीं उस पर विश्वास नहीं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर साईं बाबा की तस्वीर देख रहे हो, तो एक बार मैं अकस्मात एक दौरे पर था बॉम्बे का, तो मुझे मनमाड़ में किसी कारण से उतरना पड़ा। वहाँ हमारे एक रिलेशन में व्यक्ति थे, उन्होंने बोला जाओ साईं बाबा के मंदिर घूमे आओ। मैंने बोला देखो वो बड़ो बहुत चंट है, मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि मुझे जाना पड़ गया। तो मैं चला गया, मैं ट्रेन से उतरा, मैंने टैक्सी पकड़ी, मैं मंदिर तक पहुँचा। मंदिर के पास काफ़ी लोग भीड़ लगा करके थे, ये खरीद लो वो खरीद लो, ये वस्त्र साईं बाबा को चढ़ता है, ये फूल साईं बाबा को चढ़ता है, ये फल साईं बाबा को चढ़ता है, जैसे मंदिरों के बाहर आजकल व्यापार लगा रहता है वैसे ही। उसमें एक बूढ़ा बड़ा कंसिस्टेंट था मेरे पीछे, वो गुलाब का गुच्छा लेके चल रहा था। तो उसने शुरुआत किया कि ये 30 रुपये में गुलाब ले लो, बाबा को गुलाब चढ़ते। मुझे बोला मुझे चाहिए ही नहीं। थोड़ा और मैं मंदिर के नज़दीक पहुँचा, वो 20 रुपये में देने के लिए तैयार हो गया। साथ में और लोग भी थे, कोई कपड़ा दे रहा है, कोई मिठाई दे रहा है कि ये खरीद लो वो खरीद लो बाबा को चढ़ा। मुझे लग रहा था कि सब ठग रहे हैं। दूसरा, मुझे साईंनाथ पे भरोसा ही नहीं था, तो मैं तय मुझे उनको कुछ चढ़ाने ही नहीं था। मैंने तो किसी के बोलने पर एक दार्शनिक स्थल सोच करके वहाँ का कार्यक्रम बना लिया था। वो बूढ़ा कंसिस्टेंट मेरे पीछे पीछे चल रहा था। मंदिर के बाहर से मैंने कुछ प्रसाद खरीदा सबूत के तौर पर। जब मैं मंदिर घुस गया तो उस बूढ़े ने बोला कि तुम ऐसे ही ले जाओ ये गुलाब चढ़ा देना। मैंने बोला भाई गुलाब लड़कियों को देने के लिए होता है, बूढ़ा बाबा को नहीं। ऐसा बोल करके मैं मजाक उड़ाते हुए अंदर घुस गया। अंदर पूरा लाइन लगा हुआ था। मैंने बोला देखो ऐसा है कि अगर 10 मिनट में मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। 10 मिनट के अंदर मैं मूर्ति के सामने खड़ा था। उसके बाद मैं आगे गया, मैंने प्रसाद दिया। प्रसाद को वो क्या करते हैं, ऐसे झोला पकड़ते हैं, ऐसे सटाते हैं मूर्ति में, फिर वापस दे देते हैं। उन्होंने ऐसे झोला सटाया, वापस दे दिया। मैं भी प्रसाद लेकर के आया और उसके बाद अपने झोले में डाल लिया, जो बैग लेके मैं चल रहा था, और वापस आ गया। शाम में वो व्यक्ति जिनके घर में रुका था उन्होंने बोला कि भाई साई नाथ के मंदिर गए थे, प्रसाद तो खिलाओ। तो मैंने वो झोला निकाल के बिना देखे उनको दे दिया। उन्होंने बोला क्या मजाक कर रहे हो तुम, प्रसाद क्यों नहीं लाए तुम। मैंने बोला प्रसाद लाया, उसी का तो वो झोला है। तो उन्होंने बोला नहीं तुम झोला देखो। उसके जब मैंने झोला निकाला तो उसमें कोई प्रसाद नहीं था, उसमें सिर्फ वही फूल का गुच्छा था, एक गुलाब के फूल का गुच्छा था जो कहीं मतलब मैंने खरीदा ही नहीं था, और मेरा प्रसाद उस झोले से गायब था। तो वहाँ से मेरा एक साईंनाथ पे भरोसा हुआ। तो आज की डेट में बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कांग्रेस के तरफ से फाइनेंस्ड एक शंकराचार्य हैं, वो साईं बाबा के विरोध में बोलते हैं। देखो मेरा अपना विश्वास है साईंनाथ पे, मुझे पता है वो प्रत्यक्ष शक्ति है। ठीक है, उसी तरीके से महाअवतार बाबा ने कई मौक़ों पे मुझे ऐसा अपने होने का एक अनुभव दिलाया। जैसे एक मैं छोटा सा तो आपको बताता हूँ, जैसे इनकी साधनाएं मैं करता था, किसी माध्यम से मैं इनसे जुड़ा, इनका मंत्र मुझे मिला, मैं इनकी साधनाएं करता था। एक दिन मैंने इनको बोला कि मुझे अब अघोर तंत्र सीखना है, तो आप मुझे अघोर का एक गुरु दिलाओ, आप विश्वास नहीं करोगे। उस दिन शाम में पहली बार मैं किसी गुरु से मिला, वो भी अघोरी। ठीक है,
तो ये मंत्र मैं चाहता हूँ ये हर एक व्यक्ति जिनके पास अभी गुरु नहीं है वो महावतार बाबा जी को गुरु मान ले। देखो मैंने शुरुआत में बोला कि महावतार बाबा जी हैं कि नहीं है ये मुझे नहीं पता है, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत लोग क्लेम करते हैं कि उनको देखा है। मैंने देखा नहीं है, मैंने उनकी शक्ति को महसूस किया। और एक किताब है जिसमें पहली बार महावतार बाबा जी का नाम आया था, उसके बाद बहुत लोग इनके नाम पे व्यापार कर रहे हैं। एक बार मैंने गुस्सागर के एक आर्टिकल लिख दिया था कि महावतार बाबा है ही नहीं। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो जिन्होंने इनको देखा होगा वो मुझे बोलेंगे नहीं महावतार बाबा है मैंने देखा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, सारे व्यापारी उठा गए। मेरे हिसाब से महावतार बाबा या ये एक ऐसी गुरु शक्ति है जिनको अगर आप पूजा करो ठीक है, तो जो गुरु तत्व है जो गुरु ज्ञान है वो एक अलौकिक शक्ति आपको देती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर शक्ति आपके अंदर होती है, उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि महावतार बाबा जी भी एक अलौकिक शक्ति हैं जो गुरु शक्ति है, और जब आप इनकी पूजा करते हो तो ये आपको गाइड करते हैं। अब ये शारीरिक रूप में हैं 24 साल के दिखते हैं ये मैं नहीं जानता, तो इनका मंत्र क्या, देखो इनका मंत्र समझना ज़रूरी है। इनके मंत्र में पंचाक्षरी मंत्र है और मंत्र है ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम। देखो शुरुआत में ओम है और अंत में ओम है ठीक है, तो ऐसा क्यों है बहुत लोग जपते हैं ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम तो मंत्र गलत हो जाता है। ये सफ़र ओम से ओम का है, ओम। अब लोग बोलते हैं कि ओम और ओम में क्या अंतर है, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम, तो दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर यह है कि एक ओम है एक ओम है ठीक है। ओम अ और ओ को संधि करके बनाया हुआ एक शब्द है। जब ओम शब्द है तो वो सिर्फ एक मैटेरियल को इंगित करता है, वो मैटेरियल वर्ल्ड को इंगित करता है ओम, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो एक वाइब्रेशन फॉर्म में चला जाता है और फिर उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओम। तो ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम मतलब ओम ठीक है, मतलब मैटेरियल वर्ल्ड से वाइब्रेशन एनर्जी वर्ल्ड में ले जाने वाली शक्ति को क्रिया बाबा कहते हैं। तो ओम क्रिया बाबा जी नमः ओम इस मंत्र को करने से ठीक है। बड़े बड़े क्लेम्स तो मैं नहीं करूंगा कि आपका कुंडलिनी जागृत हो जाएगा, आपका थर्ड आई खुल जाएगा, क्योंकि उस सब चीज़ों के लिए आपको उतना बड़ा साधक भी होना पड़ता है। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको गुरु की आवश्यकता शुरुआत में नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये है कि महावतार बाबा जी के नाम पे जो भी गुरु तत्व हैं इस ब्रह्मांड में वो आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तीसरा हाँ आपका चक्र बैलेंस होता है ये मैंने देखा हुआ है, आपका ऑरा क्लियर होता है ये मैंने देखा हुआ है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है ये मैंने देखा हुआ है। और एक समय के बाद महावतार बाबा जी को जब आप याद करोगे ना तो किसी ना किसी फॉर्म में वो खुद को मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो आपको आपके आसपास की खुशबू को बदल दें या आपके आसपास की रोशनी को बदल दें, लेकिन ये जो गुरु तत्व है ना ये फील होता है कि नहीं महावतार बाबा जी कुछ हैं। तो आप लोगों में से जिनके पास गुरु नहीं है या जिनके पास गुरु हैं वो भी इनकी तस्वीर या इनकी आँखों को मैं बोलूँगा जो मैं लाइव सेशन में आके दिखाता हूँ, इनकी आँखों को देख करके इस मंत्र का जब भी ध्यान करने बैठे ना तो इसका जाप करें। इसके जाप करने से आप उस गुरु शक्ति से कनेक्ट होते हो और उसके बाद आपको जैसा भी गाइडेंस चाहिए होगा साधना में वो आपको मिलता रहेगा ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, छोटा विषय था, समझाना थोड़ा ज़्यादा पड़ा। आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो अगर साधना ही सीखनी है, तो उसका लिंक इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा एक किताब है मेरा वेबसाइट, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है या फिर डायरेक्ट कॉल मुझे कर सकते हैं आप कॉल मी फॉर ऐप पे, उसमें रुद्रनाथ सर कीजिएगा, आप मुझसे बात कीजिएगा। महाअवतार बाबा की कृपा और साधना में आप लोगों के ऊपर गाइडेंस वो बनाए रखे ऐसे मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।